वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अब देश धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। देशवासी अब अपने त्योहार भी धूमधाम से मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बाद 18 और 19 अगस्त को देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस जन्माष्टमी के त्योहार पर राजधानी दिल्ली में दुकानें सजने लगी। दिल्ली के जन्माष्टमी की वजह से फूलों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गाजीपुर फूल मंडी में फूल 30-40% तक महंगा हो गया है। सबसे ज्यादा तेजी जन्माष्टमी में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदा, गुलाब और गुलदाबारी के फूलों के दामों में है। गाजीपुर फूल मंडी के कारोबारियों ने बताया कि जन्माष्टमी में सजावट में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से फूलों की खपत बढ़ गई है। खपत बढ़ने से फूलों के दाम में भारी उछाल है। फूल 30-40% महंगा हो गया है। आम दिनों में 30-80 रुपए प्रति किलो बिकने वाला देसी गुलाब 100 रुपए किलो बिक रहा है। 50-60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला शिमला का गुलदाबारी 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गुलदाबारी की खपत को देखते हुए महाराष्ट्र से भी गुलदाबारी गाजीपुर मंडी पहुंचा है, जो कि 120 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। गेंदे की बात करें तो 10 रुपए से 50 रुपए में बिकने वाला गेंदा फूल 50-70 रुपए किलोग्राम बिक रहा है। इसके साथ ही 150-200 रुपए प्रति कोड़ी 20 माला बिकने वाला गेंदा फूलों की माला 300 रुपए प्रति कोड़ी के हिसाब से बिक रही है। इसके अलावा अलग अलग फूलों से मिलाकर बनाई गई माला भी दोगुने दामों पर बिक रही है। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है हर चीज की, जो मतलब फेस्टिवल का जो मौसम चल रहा है यहाँ पे, उस चीज की जितने फूल है ना, उस चीज की हर चीज की डबल डिमांड बढ़ी है। हाँ, रेट का जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले चल रहा था हर फूल, ये गुलाब है ये चल रहा था 50 रुपए किलो, आज की डेट में 200 रुपए किलो है ये। हाँ, और गेंदे और फूल जो बाकी के, मतलब हर चीज ट्रिपल में पहुंच गई, ट्रिपल रेट में है इस समय। कमी नहीं आई है, किसान भी कमा रहे हैं, दुकान वाले जो आती है ना वो एक नंबर का पैसा कमा रहे हैं, उनको कमीशन मिल रहा है। और दूसरी बात, हम लोग तो बना के बेच रहे हैं, हम लोग इसमें थोड़ा बहुत हम लोग कमा लेते हैं भाई। ठीक, ये है कि देव प्रकाश शर्मा। देव प्रकाश जी, यहाँ आए हैं अब गेंदा का फूल लेने के लिए जन्माष्टमी का मौसम है, क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ा है आम दिनों की अपेक्षा? अभी आम दिनों का मतलब रेट में क्या रेट नहीं, आज को रेट थोड़ी देखा है जी, आज तो बस लेना था। रेट तो पहले भी कभी ऐसे लेके गए तो कोई पता नहीं लगता, आज कुछ रेट है कल को कुछ रेट है। आज तो जो आए वो महंगा होगा, थोड़ा सा महंगा होगा पहले से, लेकिन वैसे कभी लेने नहीं आए, एक दो बार आए हैं तो जो रेट मिला जहाँ ठीक लगा। बाहर रेट तो बहुत महंगा, बाहर तो है ही नहीं, हमने जिसको बुक किया था वही छोड़ के चला गया हम, तो यहाँ से ये ले जाएंगे अपने आप कर लेंगे तो सेव अच्छा हो जाएगा, इसलिए। महेंद्र सर, महेंद्र जी ये बताइए सर, जन्माष्टमी से पहले 50-40-50 का रेट था और आज 100-150-200 का रेट हो गया है। गेंदे का रेट है जी सर। अगर गुलाब की बात करते तो कितने रेट में पड़ रहा है? गुलाब भी जो है 150-200 का यही रेट हो गया है उसमें, और जन्माष्टमी से पहले 50-60 का रेट था। अच्छा ये बताइए, त्योहारों पर जो त्योहार आ रहे हैं, शादियों का और जन्माष्टमी भी है जी, क्या इसकी डिमांड बढ़ी है? जी बढ़ी है। ज्यादातर गेंदा की बड़ी हुई है और सफेद गुलदावरी बोलते हैं उसकी भी बड़ी हुई है। अच्छा, 2 साल पहले एक बीमारी चल रही थी कोरोना जी, तो तब से और अब में आज कितना फर्क है? तब से आज में सर काफी फर्क है। जिस समय कोरोना था उस समय तो कोई रेट भी नहीं था, 10 रुपए भी कोई नहीं ले रहा था, और आज तो काफी डिफरेंस है जी सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।